छोटे बच्चों को कितना मजा आ रहा है सवाल लिखने में, सब जिद किए रहते हैं कि सर हमारा सवाल बताइए, वो खुद लिख देते हैं और फिर मुझे बता देना होता है। मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ समय गुजारना। तो देखिए, एक बच्चे ने अभी अभी लिखा हुआ है सामने कि ये नंबर लिखे हुए हैं जिसपे बता रहा है कि ये नंबर कौन से ऐसे हैं जो प्रोपोर्शन में हैं। तो देखिए, ये इसको ही देखना है आपको। इसको हिंदी में कहते हैं समानुपात, कि ये समानुपात क्या होता है या प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझना होता है। तो इसके लिए चार नंबर जो होते हैं, जैसे इस नंबर को उठाइए 6543, तो मिडिल वाला नंबर बाहर वाले दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हो तो वो नंबर समानुपात में होते हैं। जैसे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करिए तो 6 3 18 और ये 20, ये इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि चारों नंबर को उठाइए और उसमें, जैसे ये क्वेश्चन पहला देखिए, इसमें लिखा है 8 16 6 और 12। तो देखिए, ये मिडिल वाले दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये होता है 6 6 36 6 6 और 96, ये हो गया। अब बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो देखिए ये भी हो गया 96। अब ये दोनों सेम है, इक्वल है। अगर मिड टर्म दोनों का मल्टीप्लाई और आउटर दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई सेम आता है तो दोनों नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, ये समानुपात में हैं। और अगर नहीं बराबर आता है तो नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये 6th क्लास के बच्चे ने लिखा हुआ है, तो 6th क्लास में जब ये चैप्टर रेशियो का पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्वेश्चन आएगा। तो ये बात अगर वीडियो आपने देख रखा है तो बहुत आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन और लिखा है बच्चे ने, लिखा है 150 और 250, 200 और 300, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, अंदर का मल्टीप्लाई करना है और बाहर का मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 3 तो 0 आएंगे और 25 दूना 25 तो जा होता है 50, ये आएगा मिडिल का मल्टीप्लाई। अब बाहर का देखिए, यहां भी 3 0 आएंगे और इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 3 45, अभी देखिए ये आ गया 45,000 और ये आ गया 50,000, ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर ये इक्वल होता तो ये प्रोपोर्शन में होते, ये समानुपात में नहीं है। इस तरीके से अब किसी भी नंबर को समानुपात में बनाना कितना सरल हो गया। तो एक ये तरीका होता है, दूसरा तरीका और भी देखा जा सकता है कि हम इन नंबरों को, इन्हीं सवालों को फिर से देखें दूसरे तरीके से। जैसे लिखा हुआ है 8 16 6 और 12, इनको देखें तो पहले दो नंबरों को अपान में लिख लीजिए, ये हो गया, दूसरे नंबरों को लिखिए 12 हो गया। तो इसको लोएस्ट टर्म में लिखिए, तब 8 1 8 और 2 जा, ये आ गया 1/2। यहां देखिए 1 और 8 2, ये भी आ गया 1/2। जब इनका दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो तब ये प्रोपोर्शन में होते हैं, ये समानुपात में हैं। मतलब ये वाला नंबर समानुपात में है, चाहे दो तरीके हैं, चाहे उस तरीके से कर लिए, इसका इसका मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करें तब सेम आ जाए तो प्रोपोर्शन में होता है। कोई भी क्वेश्चन उठाएं और इस तरीके से देखें तो आप कर पाएंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन 6/5 और इधर है 4/3, ये नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे को देखिए, जैसे लिखा हुआ है 150/250 और ये है 200/300। तो यहां पर देखिए दो जीरो कट गए, यहां एक कटा और 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा और 5 5 जा, 3/5 आ गया और इधर 2/3 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो ये नंबर रेशियो में नहीं मिलेंगे
और ये समानुपात में नहीं है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो देखिए प्रोपोर्शन सिद्ध करना, जान लेना कितना सरल हो गया। या तो आप दोनों नियम बता दिए मैंने, दोनों को देख ले करके जो आपको इजी लगे उस तरीके से क्वेश्चंस को कीजिए, और या क्लास में जैसे सर लोग कहते हैं उस तरीके से कीजिए। बस समझना बहुत जरूरी है, आपकी समझ में आना चाहिए। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।